वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत पिंड कोटना मत्था बड़ी निम्रता के नाल हाथ जोड़ के बड़े अदब के सत्कार नाल कुछ बेनती कर लगा। जा रही नहीं एक ते दो सबसे पहली बेनती कही है कि जो पिंड का स्कूल समाज स्कूल बनिया ना समझिए कि यह सरकारी स्कूल है, क्योंकि इतने मजदूर वर्ग के बच्चों ने अपनी दिहाड़िया पैसे दिते आ एक एक दिहाड़ी के कहीं 250 तो वो दिहाड़ी दी आ जिन्नी भी किसी की समर्था सी कुछ NRI की भी है कुछ मध वर्ग भी है हरेक तरह के वर्ग के लोगों ने अपनी समर्था समर्था अनुसार अपनी किरत कमाई करके स्कूल दान किया। स्कूल की संपत्ति बनी चौकीदार आता है रात को लेट आता दिने ही बच्चे की करते हैं और शायद उन्होंने साडे स्कूल के भी कुछ होंगे वो बच्चे कंधा टप के चार दवारी हो चुकी है वह संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जतन करते हैं वो बच्चे आ और पिंड जिन्होंने फिर दे दुखते हैं कि साड़ी गिरत जो स्कूल बनिया के संपत्ति को नुकसान जो बोलता वो ही मुझे मैंने वीडियो सेंड कर देंगे और साड़ी मेरी जिम्मेवारी मेरी ड्यूटी आ कि जे स्कूल का बच्चा संपत्ति को नुकसान पहुंचाता तो उस बच्चे की पूछ पड़ताल करके उन्होंने समझा वो माँ प्यो को बेनती करनी कि यह स्कूल जोड़ा सरकारी स्कूल हैगा ये पिंड बच्चों का स्कूल आ यह संपत्ति थोड़े पिंड के लोगों की थोड़े पिंड के बच्चों की भविख की संपत्ति आनू किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाने को अपने बच्चों असं भी जतन कर रहे हैं तो तुम्हें साझा साथ देना। नंबर दो अनुशासन की बहुत वही समस्या आ रही है। दो तीन दिन पहला घटना वापरी आ सरदार केवल सिंह किसी कलर्क न करके दफ्तर काम वास्ते गए सी असं जिंदरा मार के रखते गेट न बच्चे निकले आ खड़ोते आ पिंड वाले हो रही मोड़ पर गल च खड़े से मेरे हथों बच्चे निकल गए और मोद मान का यह कहना जायज सी कि तुहाडे हथों ही बच्चे निकलते जा रहे हैं तो तुम स्कूल को कि कंट्रोल करोगे। वह बच्चों के माँ बाप ने भी कहा कि आन क्योंकि आम तौर पर बच्चे कह देंगे आ माँ प्यो इन्होंने पुठे लमकारो जी इन्होंने कोल को क्यों असं जलाद हाँ असं पुलिस वाले हाँ असं अध्यापक हाँ असं अपने अध्यापक वाली ड्यूटी करा जिन्नी भी सख्ती की जरूरत हुई असं करा लेकिन माँ बाप को अपना जो माँ बाप वाले फर्ज है निभाने पैने। सो अठवीं के वह बच्चों के माँ बाप अजे तक स्कूल नहीं आए जिन्हें अनुशासन शरिया भंग किया बाद एक होर बेनती करनी चाहता कि दसवीं के दो दिन बच्चिया आ वह स्कूल नहीं सी आ रही क्योंकि कोई 2-2 हजार रुपया दाखिला उन्होंने बच्चों पूछा तो आते असं दाखिला करके नहीं आए अध्यापक ने अपने जेब पिछले दाखले दिते हूँ जब खीर तो खीर का महीना आ गया तो हम बच्चों के माँ बाप ने कहा कि बच्चों ने ना कर दो साढ़े जो साढ़े को दाखिले दिखे जाए आप अगे भी बेनती की कि साडा तुम बहुत उत्साह बढ़ाओगे जी तो साडा हौसला ना टुटन दो तुम साडा हौसला बढ़ाओगे तो साडा हौसला बढ़ेगा अगे भी तुम साडा हौसला बढ़ाया। सो जो बच्चों की समस्या मैं सरदार कृपाल सिंह वीडियो बेनती की फोन से मैंने जो कोई ना नहीं लगता तो जो मैं ध्यान चाहता तो मैं फोन से कर दी बेनती तो मैं इस अनाउंसमेंट राही भी बेनती करता कि तुम्हें पता थोड़े कि बच्चे आ जो दाखिले नहीं दे सकते अध्यापक सारे ही अपने जेब चो खर्च करते मैं नहीं करता हाँ क्योंकि किसी को कहने तो पहले कहते हैं ना कि आप खुद जी एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। सो आज आप इन्होंने बेनती का ध्यान करोगे वाहेगुरु जी का।